अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका फियाज किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए खस्ता कचौरी आलू के सब्जी की रेसिपी। सामग्री, हमने आधा किलो आलू लेकर उन्हें उबाल लिया है और अच्छे से छील लिया है, एक बर्तन में रख लिया है। एक कटोरी में हमने गर्म पानी में हींग मिक्स कर ली है। आधा चम्मच लौंग और काली मिर्च ली है करके, चम्मच कस्तूरी मेथी और कुछ तेज पत्ता, हरी मिर्च और धनिया कट करके लिया है हमने। चूल्हे पे बर्तन चढ़ा दिया है हमने और इसमें तेल गरम हो गया, हमने जीरा डाल दिया है। इसमें हमारा जीरा अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हमने जो मसाले ग्राइंड करे थे वो डाल दिए, ग्राइंड करके काली मिर्च और लौंग ली थी वो ऐड कर दी हमने इसमें। एक चम्मच बेसन डालेंगे इसमें, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जब तक गोल्डन रंग ना आ जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें जो हमने कट करके रखी थी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम तेज पत्ता डालेंगे, अब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, इसे अच्छे से चलाएंगे हम। इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमने ये आलू जो लिए थे इसे अच्छे से मैश कर लेंगे हाथों से। हमने ये मैश कर लिए हैं, अब इनमें हम पानी ऐड करेंगे 3 ग्लास। इन्हें अच्छे से चलाएंगे। ये हमने अच्छे से चला दिया, अब इसे हम मिक्स कर देंगे उसी मसाले में। ये हम मिक्स कर रहे हैं, अब इसे हम अच्छे से चला देंगे। हाई फ्लेम पे, और आप देख सकते हैं इसका कलर। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और कुछ सूखे मसाले भी। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स करा है। इसमें हम आमचूर पाउडर डाला है हमने। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे। ये हमने कुछ होममेड गरम मसाला था वो गरम मसाला डाला है। अब इसमें जो हमने हींग का पानी था वो डाला है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे।
और ये हमारी सब्जी पक चुकी है। इसे बस हम थोड़ा सा और पकाएंगे लो फ्लेम पर एक मिनट तक। और आप देख सकते हैं इसका कलर। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये हमने एक बर्तन में सब्जी निकाल ली है। अब इसमें हम खस्ता कचौरी ऐड करेंगे और आप इन्हें मट्ठी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड करेंगे। इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी। अब इसमें हम नींबू ऐड करेंगे। अब ये हमारी बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। और आप भी बनाइए अपने घर पर और खाइए। लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।